सो है एवरी वन, वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल। सो यार, हम लोग इस वीडियो से स्टार्ट करेंगे एक छोटा सा प्लेलिस्ट जिसमें हम लोग डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम के बहुत सारे थ्योरी वाले क्वेश्चन कवर करेंगे, ठीक है। जिसमें हम लोग बेसिकली देख रहे होंगे कि वाइवा के पर्सपेक्टिव, ठीक, वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग सारे थ्योरी वाले क्वेश्चन कवर करेंगे, ठीक है। और वन क्विक शॉर्ट जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं सारे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सो हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे फर्स्ट पार्ट, जिसमें मैं एरे के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप नेक्स्ट पार्ट चाहते हैं तो आप जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल राइट। मैं उसको भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। सो यार, पहले तो मैं बता दूं कि मैं इसमें केवल थ्योरी पार्ट डिस्कस करूंगा और डिटेल में नहीं बताऊंगा, ठीक है। आपको अगर डिटेल में जानना है तो उस हर टॉपिक पे मेरा सारा वीडियो अपलोडेड है इस चैनल पे डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम में। सो यार, आप उसको एक बार देख सकते हैं, ठीक है। सो यार, पहले तो हम लोग आते हैं इसमें कि पहले यार डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम में क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि why do we use data structure and what are their benefits, okay? So यार, basically हम लोग data structure क्यों use करते हैं? To solve the problems of daily life and to solve the problem very efficiently, ठीक है। हम लोग अपने problem solving skills को better बनाने के लिए हम लोग data structures को use करते हैं, ठीक है। ओके, एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डाटा स्ट्रक्चर? तो बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं यार, कि ये दो तीन पॉइंट्स हैं। दिस आर नेसेसरी फॉर डिज़ाइन ऑफ इफिशियंट एल्गोरिदम, ओके। इट्स अलाउज सेफ स्टोरेज ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन एंड कंप्यूटर, ओके। एंड इट्स अलाउज डाटा यूज एंड प्रोसेसिंग ऑन अ सॉफ्टवेयर सिस्टम, एंड इट ऑल्सो अलाउज, ये अभी डिस्कस करेंगे एरे के बारे में। सो यार, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा, कि वो एरे क्या होता है, ठीक है। सो एरे क्या होता है? एरे एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम लोग अपने डाटा को स्टोर करते हैं एट कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन, ठीक है। ये तो डिफिनेशन। सो यार, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग एरे डाटा स्ट्रक्चर, ओके। तो यार, एरे डाटा स्ट्रक्चर के मेजर एडवांटेज यही है कि हम लोग क्या होता है कि हम लोग एरे के एलिमेंट को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं बाय यूजिंग देयर इंडेक्सेस नंबर, ऑल राइट। एंड एरे एलोकेट मेमोरी इन कंटिजियस मेमोरी लोकेशन फॉर ऑल इट्स एलिमेंट, हैंस देयर इज नो चांस ऑफ एक्स्ट्रा मेमोरी बीइंग एलोकेटेड इन केस ऑफ एरे। सो मतलब कि ये अवॉइड करता है कि हम लोग का जो मेमोरी है वो लॉस ना हो, ठीक है। मतलब जितना हमको साइज चाहिए होता है वो उतना ही साइज का मेमोरी एलोकेट करता है एरे, ओके। सो इस वजह से हमारा जो मेमोरी का लॉस होता है वो यहाँ पर बच जाता है, ठीक है। सो यार, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है कि एडवांटेजेस देख लिए हम लोग एरे के, तो इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, ठीक है। सो डिसएडवांटेजेस क्या है कि यार, अगर हम लोग कोई एरे के साइज डिक्लेयर कर दिए, ऑल राइट, सो अगर हमको उसमें एक्स्ट्रा साइज अगर इंसर्ट करना हो तो हम लोग नहीं कर सकते हैं, ओके। सो वी हैव टू डिक्लेयर द साइज ऑफ एरे इन एडवांस, मतलब कि हमको पहले से ही साइज डिक्लेयर करना होता है। हम लोग अलग से साइज अगर मान लेते हैं डिक्लेयर कर दिए तो बाद में उसमें कुछ इंसर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग एक्स्ट्रा साइज के मतलब उस एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड नहीं कर सकते, ओके। सो यार, ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है एरे का, ओके। द एरे इज स्टैटिक डाटा स्ट्रक्चर, इट मींस एरे साइज इज ऑलवेज फिक्स्ड, ओके, जैसा कि मैंने बताया अभी। सो वी कांट इंक्रीज और डिक्रीज द मेमोरी एलोकेशन, ओके। एरे एलिमेंट स्टोर एट कंटिजियस मेमोरी लोकेशन, सो इंसर्शन एंड डिलीशन आर क्वाइट डिफिकल्ट। सो यार, एरे में क्या होता है कि इंसर्शन और डिलीशन जो होता है डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जो एरे होता है, एरे में क्या होता है कि हम लोग जो एरे, तो पहले पता है आपको कि लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, तो हम लोग इसमें जितने भी एलिमेंट वन बाई वन एलिमेंट को एक्सेस करते हैं, तो इसमें यार क्या होता है कि जो शिफ्टिंग होता है ना वो कॉस्टली होता है, कि हम लोग किसी के बीच में अगर हमको इंसर्ट करना है अगर एलिमेंट को, तो हम लोग वन बाई वन एक्सेस करते हुए उसके पास जा रहे होंगे, ओके। सो यार, ये क्या होता है, डिसएडवांटेज होता है। नेक्स्ट क्या है, एलोकेटिंग मोर मेमोरी दैन द रिक्वायरमेंट लीड्स टू द वेस्टेज ऑफ मेमोरी स्पेस, एंड लेस एलोकेशन ऑफ मेमोरी ऑल्सो लीड्स टू प्रॉब्लम, ओके। सो यार, दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ एरे। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। सो नेक्स्ट क्या है यार, कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाउ डू यू एक्सेस द वैल्यूज विद इन एन एरे। सो यार, हम लोग पहले भी देखे थे कि हम लोग एरे में वैल्यूज को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। सो वी कैन एक्सेस वैल्यू विद इन एन एरे बाई यूजिंग द इंडेक्स ऑफ एन एरे, ओके। मतलब हम लोग इंडेक्स को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, इंडेक्स को यूज करके हम लोग डायरेक्टली एरे के एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, ओके। क्योंकि ये पता ही आपको कि इसमें ये लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है यार, कि नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है, कैन वी चेंज द साइज ऑफ एन एरे एट रन टाइम? नो, वी कांट चेंज द साइज ऑफ एन एरे, जो कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यार, कैन वी डिक्लेयर एन एरे विदाउट असाइनिंग द साइज ऑफ एन एरे?
तो ऐसा हम लोग नहीं कर सकते हैं कि हम लोग बिना साइज को असाइन किए हम लोग एरे को, अगर आप एरे के साइज को असाइन कर दिए तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप डिक्लेयर करें या ना करें, लेकिन अगर बिना साइज को असाइन किए आप एरे को डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। ओके सो यार ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, ठीक है। और अगर ऐसा हम लोग करते हैं तो ये क्या करेगा यार, हमारा कंपाइल टाइम एरर थ्रो करेगा। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनोनिम्स एरे, ठीक है। एनोनिम्स एरे मीन्स यार एरे विदाउट एनी रेफरेंस। ओके सो ये बहुत सिंपल है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है यार कि व्हाट व्हेन एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन अगर, एक ये एक्सेप्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, ठीक है। तो यार ये क्या होता है, ये एक रन टाइम एक्सेप्शन होता है और ये तब आता है जब हम लोग अगर किसी एरे को साइज एलोकेट किए हैं और हम लोग उस साइज के अलावा मतलब कि इनवैलिड इंडेक्स को एक्सेस करना चाहते हैं, तो उस टाइम हम लोग का जो कंपाइलर होगा ये एरर थ्रो कर रहा होगा, ठीक है। मतलब इट विल अकर व्हेन द प्रोग्राम ट्राइज टू एक्सेस इनवैलिड इंडेक्स ऑफ एरे, इंडेक्सेस हायर देन द साइज ऑफ एरे और नेगेटिव इंडेक्सेस, ठीक है। समझ में आ रहा है, मतलब हम लोग अगर साइज जो फिक्स एलोकेट कर दिए अपने एरे को तो अगर उसके अलावा मतलब उससे ज़्यादा या निगेटिव में अगर हम लोग उसके साइज को एक्सेस करना चाहेंगे या इंडेक्स को तो क्या होगा, वो एरर थ्रो करेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है यार कि सॉर्टिंग से रिलेटेड है क्वेश्चन कि क्विक सॉर्ट क्या होता है यार। क्विक सॉर्ट जो होता है वन ऑफ द फास्टेस्ट सॉर्टिंग एल्गोरिदम होता है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम लोग एक पाइवट पॉइंट चूज करते हैं और हम लोग दो भाग में इसको डिवाइड कर लेते हैं, एक भाग क्या होता है जो पाइवट पॉइंट से स्मॉलर होता है और एक क्या होता है उससे लार्जर होता है, ठीक है। सो अगर आपको पाइवट ये क्विक सॉर्ट के बारे में डिटेल में जानना है तो आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं और डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम का प्लेलिस्ट एक्सेस कर लीजिए, उसमें अच्छे से मैंने बताया हुआ है कि क्विक सॉर्ट क्या होता है। ओके और उस पर मैंने कोड भी किया हुआ है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है यार कि व्हाट इज बबल सॉर्ट एल्गोरिदम। सो यार बबल सॉर्ट एल्गोरिदम जो होता है बहुत ही सिंपल होता है, ये एक टेक्निक होता है एरे को सॉर्ट करने के लिए, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, सिंपली स्वैपिंग करते हैं, हम लोग दो नंबर को स्वैप करते हैं। कौन से दो नंबर को स्वैप करेंगे, जो रॉन्ग ऑर्डर में होगा। रॉन्ग ऑर्डर हम लोग किसको बोलते हैं, जो जैसे दो नंबर है लेफ्ट एंड राइट, अगर लेफ्ट वाला ज़्यादा होगा तो वो क्या है, रॉन्ग ऑर्डर है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, स्वैप कर देंगे और तब तक स्वैप करेंगे जब तक हमारा एरे जो है सॉर्ट नहीं हो जाता। ओके सो यार ये वही है, इट मेक्स यूज अप टेम्पररी यूज फॉर स्वैपिंग, इट कंपेयर्स टू नंबर एट अ टाइम एंड स्वैप देम इफ दे आर इन रॉन्ग ऑर्डर, जैसा कि मैंने बताया आपको। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है हमारा, व्हाट आर बाइनरी सर्च, मतलब सर्चिंग में बाइनरी सर्च इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है ना वो बहुत कम होता है, ठीक है, लीनियर सर्च से बेटर होता है। तो यार बाइनरी सर्च क्या है, बाइनरी सर्च इज मोस्ट यूजफुल व्हेन लिस्ट इज सॉर्टेड। ओके इन बाइनरी सर्च एलिमेंट प्रेजेंट इन द मिडिल ऑफ द लिस्ट इज डिटरमाइंड, मतलब बाइनरी सर्च में क्या होता है ना, हम लोग दो वेरिएबल लेते हैं, एक मिनिमम और मैक्सिमम। मिनिमम जो होता है वो हमारा जीरो इंडेक्स को पॉइंट करता है और जो मैक्स वेरिएबल होता है वो एन माइनस वन इंडेक्स को पॉइंट कर रहा होता है। तो हम लोग उसका एवरेज होता है, मतलब दोनों का सम बाय टू जो होता है उसको हम लोग मिड से डिनोट करते हैं। अगर हमारा जो एलिमेंट है वो अगर मिड से ज़्यादा है तो हम लोग क्या करेंगे यार, मिनिमम को मिड प्लस वन कर देंगे, और अगर हमारा एलिमेंट जो है मिड से कम है तो हम लोग क्या करेंगे यार, मैक्सिमम को मिड माइनस वन कर देंगे, ठीक है। ऐसा तब तक करते रहेंगे जब तक हमारा जो एरे का एलिमेंट है वो मिड के बराबर ना हो जाए। ऑलराइट सो अगर आपको बाइनरी सर्च के बारे में डिटेल में पढ़ना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम का, उसको आप एक्सेस कर लीजिए, मैंने बहुत ही अच्छे से बताया, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट आर लीनियर सर्च एंड व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ओके सो यार लीनियर सर्च क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म होता है सर्चिंग का। क्यों, क्योंकि हम लोग इसमें एलिमेंट को डायरेक्ट एक्सेस कर लेते हैं बाय एक्सेसिंग द इंडेक्सेस। ओके एंड दिस सर्च हैज़ डिसएडवांटेजेस इफ द एलिमेंट इज लोकेटेड एट द एंड, मतलब अगर एलिमेंट अगर जिसको हमको सर्च करना है अगर मान लेते हो लास्ट में अगर लोकेट है तो हम लोग उसको तभी एक्सेस कर पाएंगे जब तक हम लोग सारे एलिमेंट को आइट्रेट करने के बाद ही वो एक्सेस कर पाएंगे। तो इसमें क्या होता है, वर्स्ट केस हो जाता है हमारे एलिमेंट को फाइंड करने के लिए, ठीक है। और इसमें एडवांटेजेस क्या होता है, एडवांटेज लाइज इन द सिंप्लिसिटी ऑफ सर्च एंड ऑल्सो इट इज मोस्ट यूजफुल व्हेन एलिमेंट आर अरेंज इन अ रैंडम ऑर्डर। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है यार कि व्हाट आर मर्ज सॉर्ट, सॉरी यहाँ पे सॉर्ट का स्पेलिंग गलत हो गया बट यू कैन अंडरस्टैंड इजली। सो मर्ज सॉर्ट क्या होता है, ये एक सॉर्टिंग एल्गोरिदम होता है दैट फॉलो द टू पैरामीटर, क्या होता है, डिवाइड एंड कंक्यूर। ओके हम लोग इसमें क्या करते हैं, दो पार्ट में एरे को डिवाइड करते हैं और फिर उसके बाद क्या करते हैं, सॉर्ट करते हैं, फिर उसके बाद मर्ज कर देते हैं। ओके सो इसके बारे में अगर डिटेल में आपको जानना है तो आप
मेरे चैनल पे आप जा सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज ये सिंपली दो तीन पॉइंट का क्या डिफिनेशन है आप उसको याद कर सकते हैं, ओके, वाइबा के लिए, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यार कि व्हाट आर द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च। ये सारे क्वेश्चन ये सब आपको इंटरव्यू में भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है, प्लेसमेंट इंटरव्यू में। तो क्या होता है यार, बाइनरी सर्च का जो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो क्या होता है, बिगो ऑफ लॉग एन, ठीक है। सर्चिंग का भी वही होता है, इंसर्ट का भी वही होता है, और डिलीट का भी वही होता है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा यार, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ क्विक सॉर्ट ओवर मर्ज सॉर्ट, ओके। सो यार क्विक सॉर्ट जो होता है वो इफिशियंट एंड फास्टेस्ट वे होता है सॉर्टिंग का। तो क्विक सॉर्ट क्या होता है, दिस सॉर्टिंग टेक्निक प्रिजर्व द ऑर्डर, ओके, बट मर्ज सॉर्ट में ऐसा नहीं होता। बट जो मर्ज सॉर्ट होता है यार वो ऑर्डर को प्रिजर्व नहीं करता है, ठीक है, ये मेजर डिफरेंस होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज लीनियर सर्च एल्गोरिथम। आई थिंक ये रिपीट हो गया है ना, सो आप लोग इसको देख सकते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, व्हाट इज इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिदम। सो इंसर्शन सॉर्ट इज अ ब्रूट फोर्स सॉर्टिंग एल्गोरिदम, ओके, इसको ये भी बोलते हैं हम लोग, दैट इज बेस्ट ऑन सिंपल टेक्निक। वो हम लोग क्या बोलते हैं, वो जो प्लेइंग कार्ड होता है ना वो टेक्निक पर बेस्ट होता है, ओके। सो इसमें क्या होता है यार कि कंसिडर द कार्ड वन एट अ टाइम एंड इंसर्ट ईच इनटू इट्स प्रॉपर प्लेस अमॉन्ग दोज ऑलरेडी कंसिडर्ड, ओके। सो यार ये वो टेक्निक पे बेस्ट होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो प्लेइंग कार्ड होता है ना उस एल्गोरिदम पे बेस्ट होता है इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिदम, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है, फाइनली एक टेबल दे दिया जिसमें आप लोग सारे सॉर्टिंग में क्या हो सकता है, बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का, वर्स्ट केस क्या हो सकता है, एवरेज केस क्या हो सकता है, ठीक है। सो आप इसको याद कर सकते हैं, ये डायरेक्टली आपको वाइवा में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये एरे पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हो। अगर आपको वीडियो समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिए, ओके। और आपको अगर इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए, लिंक लिस्ट, स्टैक, हीप और बहुत सारे जैसे क्यू हो गया, ट्रीज हो गया, ग्राफ हो गया, उस पर अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं बहुत जल्दी उस पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है।